नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। बाड़मेर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है। बताया यह जा रहा है कि वहां पर एक चोरी वाहन गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस संदर्भ में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल कुछ दिनों पहले बाड़मेर के बालोतरा शहर में आए दिन चोरी के वारदात घटित हो रहे थे। इस संदर्भ में पुलिस ने एक जाँच टीम का भी गठन किया था और जाँच टीम बराबर निगरानी भी रख रही थी। 17 फरवरी की बात है, इस संदर्भ में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। जब संदिग्ध से पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा भी हुआ। संदिग्ध ने यह बताया कि उसके गैंग में 3 लोग हैं और वो आए दिन चोरी को वारदात देते थे। उस दिन उन्होंने एक बोलेरो कार की चोरी की थी। पुलिस ने उस कार को जब बरामद की और आगे पूछताछ की तो सारा मामला खुल गया। पुलिस ने इस गैंग के 2 और सदस्य को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार के बाद तीनों सदस्य में से एक नाबालिग भी है। नाबालिग को पुलिस ने अपने संरक्षण में भी लिया है। जब गिरोह से पूछताछ की गई तो गिरोह ने यह भी बताया कि अब तक उन्होंने 14 बाइक, 1 बोलेरो कार और 1 पिकअप गाड़ी अभी तक उन्होंने चुराए हैं। हालांकि अभी तक जितनी भी चोरी की गई वाहन थी उसको बरामद भी की जा चुकी है और जितने भी इस गिरोह के सदस्य थे उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल बात है, बालोतरा शहर में कुछ दिन पहले आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। इस संदर्भ में स्थानीय लोग परेशान भी थे। इस संदर्भ में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि शुरू शुरू में पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा था। पुलिस भी परेशान थी। जो चोरी थे बड़े ही शातिर तरीके से चोरी कर लेते थे और पुलिस को भनक तक नहीं लगती थी। इस संदर्भ में पुलिस ने एक जाँच टीम का गठन किया। जाँच टीम बराबर निगरानी रखती थी। जहाँ पर चोरी होती थी शुरू शुरू में जाँच टीम को भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन 17 फरवरी को जब एक शातिर चोर चोरी कर रहा था तभी वह पुलिस के हाथों चढ़ गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो इस गिरोह का पर्दाफाश भी हो गया। यहाँ पर साफ तौर पे पुलिस प्रशासन की भी जो जिस तरह से पैनीय दृष्टि उन्होंने बनाए रखी थी उसकी साफ तौर पे प्रशंसा भी होनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन चौकन्ना नहीं रहती तो ये शातिर अपराधी कभी भी पकड़ में नहीं आते। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी तारीफ होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए एक जांच टीम का गठन किया और जांच टीम के बदौलत ही उन्होंने इन शातिर चोरों को गिरफ्तार भी किया है और ये चोर अब हवालात के पीछे हैं। इस वीडियो के संदर्भ में हमारे व्यूवर्स के क्या राय हैं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।